गुड मॉर्निंग क्लास 8। टुडे आई एम गोइंग टू टेक अप चैप्टर 12th, दैट इज फॉलिंग लीव्स, मींस गिरती हुई पत्तियां। ओके, एक्चुअली ये पोएट इसमें एक्सप्लेन कर रहा है कि दिस इज अ सीजन ऑफ ऑटम, और पत्तियों के साथ क्या क्या होता है, लाइक हाउ दे फॉल फ्रॉम द ट्रीज एंड वॉट दे आर एक्चुअली फीलिंग अबाउट। ओके, सो स्टार्ट द फर्स्ट स्टैंजा, दैट इज अप इन द ट्रीज देयर अ लिटिल साय। साय मीन्स दुख, मीन्स ऊपर अगर ट्रीज में हम देखें तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे वहां पे बहुत दुख भरा सा आवाज आ रहा है। ओके, फॉर द लीव्स आर विस्परिंग गुड बाय गुड बाय। और वो आवाज कैसी है, क्योंकि विस्परिंग मतलब भुनभुनाना, क्योंकि वो लीव्स जो हैं आपस में भुनभुना रही हैं और वो बोल रही हैं गुड बाय गुड बाय। लीव्स ऑफ येलो, ऑफ क्रिम्सन, ऑफ रेड, ऑफ ब्राउन सेइंग गुड बाय एज दे फ्लटर डाउन। किस किस कलर की ग्रीन्स है, लीव्स ऑफ येलो, येलो कलर की, ऑफ क्रिम्सन, क्रिम्सन मीन्स रेड, डार्क रेड, ऑफ ब्राउन और ब्राउन कलर की, सेइंग गुड बाय एज दे फ्लटर डाउन, और वो गुड बाय बोल रही हैं जैसे ही वो नीचे आ रही हैं। अप इन द ट्रीज देयर इज अ गोल्डन रेन, और ऊपर ट्रीज में गोल्डन रेन भी है। ऑफ द लीव्स दे नेवर विल बी ग्रीन अवे अगेन, मीन्स ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गोल्डन रेन की तरह भरा है ट्री। क्यों? क्योंकि वो लीव्स से भरा है जो कि कभी भी अब दोबारा से ग्रीन नहीं होंगी। लीव्स ऑफ चेस्टनट, हॉथथ्रॉन और एंड लाइम फॉलिंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ समर टाइम, मीन्स अब क्या है, जो ब्रांचेस समर टाइम में उगी थी और वो किस किस चीज की लीव्स थी, चेस्टनट की, हॉथथ्रॉन की, लाइम की, अब वो सब क्या कर रही है, ब्रांचेस से नीचे गिर रही है। अंडर द बो इज अ कार्पेट ब्राइट, बो मीन्स ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, बहुत सारी ट्रीज हैं उनके नीचे क्या है, एक कार्पेट बिछ गया है। किस तरीके का कार्पेट है, वो बहुत ही ब्राइट कार्पेट है, विच द लीव्स हैव मेड इन अ सिंगल नाइट, और वो तो सारे पत्तियों के ही कार्पेट है जो कि एक रात में सारी पत्तियां झड़के बिछाई हैं। ब्राउन ऑफ ओक एंड येल्लो एश, ब्राउन लीव्स हैं ओक ट्री के और एश की येलो लीव्स हैं। क्रिम्सन ऑफ मैपल इन अ रेडी स्प्लैश, और क्रिम्सन यानी जो डार्क रेड लीव्स हैं वो किसका है, मैपल ट्री की है। ऑल थ्रू द वुड ग्रोस द क्रूएल विंड, मीन्स अब सारे पत्तियों के बीच से क्या जा रहा है, एक क्रूएल विंड जा रहा है, मीन्स बहुत ही क्रूएल है विंड जो कि उन लोगों के बीच से जा रहा है। एज ही ड्राइज द लीव्स With his breath unkind, means जब वो विंड सांस लेता है एंड ही passes बिटवीन द लीव्स, तो वो क्या करता है, वो पत्तियों को उड़ा ले जाता है। लीव्स दैट कावर एंड शेल्टर एंड क्लिंग ट्रेम्बलिंग एंड फ्राइटेंड ऑफ एवरीथिंग, और उन पत्तियों को उड़ाता है जो कि हर चीजों से डरती है। ऑल डाउन द स्ट्रीम ऑन अ swelling tide, float the leaves like a ship in a fairy ride, means इस तरीके से विंड उड़ा के ले गया उन लीव्स को कि अब वो क्या कर रही हैं, अब वो टाइड्स के बीच में रिवर्स में जा करके तैरने लगी, उस तरीके से तैर रही हैं जैसे कि फेरीज का शिप तैरता है पानी में। शिप दैट हासन टू हार्बर एंड साय, विंटर इज कमिंग गुड बाय गुड बाय, मींस अब क्या है, अब ऐसे ये शिप्स बना के जा रही हैं लीव्स, क्यों, क्योंकि अब विंटर वापस आ रहा है एंड दे आर एक्चुअली सेइंग, मींस द लीव्स आर एक्चुअली सेइंग गुड बाय। एंड दिस Falling Leaves poem has been written by Margaret Cameron. Okay, this is important from your examination point of view, that what is the, who is the author, or sorry, who is the poet of this poem, Falling Leaves. Thank you. I had sent the question answer. Do it same in your copy.